देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर एडवांस की सब्जेक्टिव शीट नंबर सिक्स का क्वेश्चन हमने सिक्स क्वेश्चन तो कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर सेवन नहीं किया था, सेवन और इलेवन नहीं किया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन करो पहले, क्वेश्चन नंबर इलेवन करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इलेवन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, ठीक है। कोई हिंट, कुछ ट्राई करोगे तो आंसर, कुछ नहीं? चलो ठीक। देखो फिर अंदर ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि सपोज आपके पास एक पुली है, ये पुली आगे एक फर्दर एक और पुली के साथ अटैच्ड है, इसके बाद ये लेट अस सपोज ये जो पोर्शन है वो इसके साथ अटैच्ड है, एंड यहां पर एक मैन के हाथ में ये एक रोप है, यहां से होती हुई ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, एंड यहां से ये एक लेंथ है ऐसे, ठीक। सो इसमें यहां एक और मैन है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पुली नंबर वन है, ये पुली नंबर टू है, और ये ए मैन है और ये बी मैन है, ठीक। किसी भी इंस्टेंट पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक सपोज L2 है, और सपोज ये वाली जो लेंथ है वो L1 है,
ठीक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल टू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल वन, ठीक है यहाँ तक। अब पहला रूल ये है कि पहले ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देख रहे हो यहां से स्टार्ट होके ये स्ट्रिंग यहां पे आ रही है, ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होके यहां पे आ रही है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक आ रही है और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम कॉन्स्टेंट, ये नहीं चेंज होने वाली। निकालना क्या है हमने, हमने निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट स्लिप्स थ्रू द हैंड्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हाथ से कितनी रस्सी नीचे स्लिप हो जाती है, ये बस मेरे को ये निकालना है, क्योंकि ए बी ए खड़ा खड़ा इसमें खींच रहे नीचे और रस्सी अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, बी के हाथ में, और मान लो बी के ग्राउंड पर ये रस्सी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है तो कितनी रस्सी लेंथ वो स्लिप हो जाती है उसके हाथ से, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ तक। तो इनिशियल जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L1 प्लस L2 है, करें स्टार्ट। हाँ, ए भी ऊपर जा रहा है क्योंकि जब ये प्लैंक ऊपर खींचेगा, जब ये खींचेगा तो ये प्लैंक ऊपर जाएगा तो ये खुद भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर आएगा, तो कहीं 2x का फैक्टर आएगा। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये पोर्शन x डिस्टेंस ऊपर चला गया तो x ऊपर चला गया, ये x नीचे आ गया, और वैसे भी ये मैन भी ऊपर से x डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो अल्टीमेटली जो लेंथ है वो 2x चेंज होगी इसमें। सोचो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर सपोज करो यहां पर कोई मास होता, ये प्लैंक नहीं है, मास होता लटका हुआ, और ये इसे खींचता खड़ा खड़ा, ये खुद ना मूव करता, तो ये मास ऊपर आ जाता बाय एक्स, तो ये रस्सी नीचे चली जाती बाय एक्स, डन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मास तो ऊपर जा ही रहा है, मैन भी एक्स डिस्टेंस रस्सी को खींच गया, तो रस्सी तो दो दो बार खींच गई ना, मतलब अल्टीमेटली ये डिस्टेंस दोनों का कम 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 होता जाएगा ना, पुली तक ऊपर जाते जाएंगे, नहीं? फिर सुनो, कोई बात नहीं, फिर सुनो, जब तक नहीं आएगा तब तक सुनना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो इसको मैंने एक्स डिस्टेंस ऊपर कर दिया, ठीक, तो इस मैन के हाथ से एक्स रस्सी हाथ से नीचे छूट गई, या इन शॉर्ट एल वन डिस्टेंस एक्स चेंज हो गया, यानी कि जो नई लेंथ आ गई L1 माइनस एक्स हो गई, ये जो लेंथ है ये L1 माइनस एक्स हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ये एक मास होता बस ऐसे और ये इसे खींचता है, प्लैंक रेस्ट पे है, तो ये एक्स डिस्टेंस छोटी होती, यहां तो ये प्लैंक खुद भी एक्स डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली ये बंधा किससे हुआ है, प्लैंक से, तो जब इसने इसको खींचा तो प्लैंक एक्स डिस्टेंस ऊपर आया, साथ में खुद भी एक्स डिस्टेंस ऊपर चला गया। यानी कि कहने का मतलब कि यहां पर जो चेंज इन लेंथ आएगी, अब ये L1 माइनस एक्स नहीं होगी, L1 माइनस 2x होगी, क्योंकि एक तो रस्सी आने का x चेंज हो गया और एक खुद भी x डिस्टेंस आगे चला गया। अच्छा चलो ऐसे कर लो, सपोज करो सामने एक ब्लॉक है, मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, ठीक, मैं ब्लॉक को खींच रहा हूं, ध्यान से देखना, खड़ा खड़ा मैं हिल नहीं रहा, मैंने x डिस्टेंस खींच दिया, तो ब्लॉक की लेंथ अगर मेरे से L1 थी, अब नई लेंथ कितनी होगी, L1 माइनस x हो गई। अब फिर से इमेजिन करो वो ब्लॉक है, उसको मैंने x खींचा और इधर से मैं x आगे भी चला गया, अब की लेंथ कितनी हो गई, L1 माइनस x माइनस x, L1 माइनस 2x। अब समझ में आया यहां तक? तो सेम केस इसके साथ भी हो रहा है, क्योंकि ये खींचता खींचता आगे भी ऊपर भी बढ़ता जा रहा है भाई x, तो ये खींच तो रही है बाय x, खुद भी ऊपर चला गया बाय x, तो यानी कि नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 माइनस 2x। ये अलग है, ये अलग है, लेफ्ट, ये नीचे वाला, नहीं, वो तो इकट्ठा है, वो तो होल किया हुआ है उसने, बस शो किया है,
देयर इज अ होल, उसमें से रस्सी निकल रही है, प्लैंक एक ही है। फोटोकॉपी ले ले इनकी, एक ही ले ले, फोटोकॉपी कर दे। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक। नहीं नहीं पॉइंट मास है, हाइट ऑफ द मैन नहीं लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? आगे अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये रस्सी यहाँ से नीचे आई, ठीक है, ये लेंथ छोटी हो गई नो डाउट। ये रस्सी नीचे 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 जाती जाएगी, लूज होती जाएगी, यहाँ से नीचे आ गई, ठीक। और ये कितना नीचे आ गई, लेट अस सपोज ये वाई डिस्टेंस नीचे आ गई, मुझे नहीं पता क्योंकि यही तो क्वेश्चन है। अगर आप मुझे कहोगे सर ये भी 2x डिस्टेंस नीचे आ गई, वो तो रेशियो 1:1 आ गया फिर, तो यानी कि ए मैन और बी मैन की जो रस्सी स्लिप हो गई वो तो 1:1 हो गई हमेशा, जबकि आंसर 1:1 है ही नहीं। तो इस केस में क्योंकि पूरा का पूरा अरेंजमेंट इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है, ये इसे खींच रहा है, प्लैंक ऊपर आ रहा है, अल्टीमेटली ये लेंथ भी चेंज हो रही है, तो ये जो लेंथ है वो मुझे नहीं पता कितनी गई। तो लेट अस सपोज वाई डिस्टेंस नीचे लूज हो गई, इमेजिन कर लो वाई डिस्टेंस नीचे लूज हो गई। अब सच दैट, अब जब ये अरेंजमेंट पहले इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, L2 था, डिस्टेंस L2 था। अब इस केस में इसको नहीं पता इसने कितना लूज कर दिया, इसे y लूज कर दिया, और इसने कितना लूज किया था नीचे की तरफ, x लूज किया था, ठीक है, प्लैंक ऊपर गया था, ये डिस्टेंस जरूर कम हो गया पर रस्सी तो x ही नीचे आई ना, रस्सी थोड़ी ना 2x लूज हो गई। मैन का, इस मैन का पुली से डिस्टेंस जो है वो 2x चेंज इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद ऊपर चला गया, अदरवाइज रस्सी तो वो x ही खींच रहे। तो इस केस में जो नई लेंथ है वो इसकी लेंथ अब चेंज हो जाएगी L1 माइनस 2x क्योंकि मैन ऊपर जा रहा है, मैंने बता दिया आपको ये ओवरऑल डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, और ये जो L2 है ये भी चेंज हो जाएगा। तो L2 कितना हो जाएगा कोई बताएगा? L2 की वैल्यू होगी इसमें L2 माइनस x 1 प्लस y 2, बिल्कुल सही। कैसे कैलकुलेट किया आपने? ये प्लैंक ऊपर उठ गया और ये स्ट्रिंग नीचे आ गई, तो अल्टीमेटली जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अब हमने तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पहले तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहीं तक थी ना, आपने रस्सी को नीचे लूज कर दिया, अब नई लेंथ कितनी है देखो, नई लेंथ है L2 डिस्टेंस पहले था जब ये रस्सी बिल्कुल भी लूज नहीं थी, रस्सी लूज नहीं थी, तो ये डिस्टेंस कितना था, L2 था। अब यहां से लेंथ चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई बाय, x चेंज हो गई, एक्सचेंज हुई, क्यों एक्सचेंज हुई, क्योंकि ये रस्सी को इसने से खींच लिया इधर, और ये मैन जो है, ये मैन कहां चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो रस्सी लूज हुई बाय एक्स इसकी वजह से। और यहां पर जो डिस्टेंस है, यहां पे लेंथ, क्योंकि यहां से कम हुआ डिस्टेंस रोप का, तो यहां से इंक्रीज हो गया बाय डिस्टेंस ऑफ वाई। ये पॉइंट समझ में आया? नहीं, फिर से एक बार फिर से देखो। नहीं नहीं L1 अलग है, L2 अलग है, किसकी न्यू लेंथ, इसकी नई लेंथ है, इस पोर्शन की नई लेंथ है, राइट वाले पोर्शन की। अब ये देखो, पहले ये स्ट्रिंग यहां से शुरू होके यहां पर थी, दैट्स इट। तो ये L1 था, ये L2 था, बात होगी खत्म। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर ये ऊपर चला गया बाय x, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस चेंज हो गया बाय x, तो मेरे को तो जो डिस्टेंस लेना है वो टोटल लेंथ ऑफ द नई स्ट्रिंग लेनी है। जो लेंथ ऑफ द नई स्ट्रिंग है वो कितनी चेंज हो जाएगी? वो चेंज होगी क्योंकि ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट ऊपर चला गया, जब ये प्लैंक ऊपर चला गया तो ये रस्सी छोटी हो गई, ठीक, और इधर से ये रस्सी भी छोटी हो गई। ये भी तो हुआ ना, ये भी तो यहां से ये भी तो टर्न हो गया ना, चेंज हुआ। हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने ये भी तो देखना है ना। तो जब ये प्लैंक ऊपर गया तो प्लैंक कितना ऊपर गया भाई, एक्स ऊपर गया, तो ये जो लेंथ है वो कितनी थी, L2 थी, तो L2 में से ये कितना चेंज हुआ, x चेंज हुआ, लेकिन रस्सी कितनी लूज हो गई नीचे, y चेंज हो गई, तो ये डिस्टेंस ऊपर उठा बाय x और नीचे रस्सी लूज हो गई बाय y, तो अल्टीमेटली x डिस्टेंस और y डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने कैसे एडजस्ट किया, जैसे टोटल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर थी और मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली ये पुली के साथ ये पूरा अरेंजमेंट नीचे नीचे हिल जाएगा। देखो ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा अरेंजमेंट भी तो नीचे आएगा ना, और जब ये अरेंजमेंट नीचे आएगा तो ये लेंथ L2 चेंज हो जाएगी, L2 विल बी डिक्रीज बाय x, L2 कम हो जाएगा x से, L2 जब कम होगा x से कितना, नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 माइनस x हो जाएगी। कहाँ से कहाँ डिस्टेंस आएगा L2 माइनस x, यहाँ से लेके ग्राउंड का, लेकिन ग्राउंड के अंदर भी तो रस्सी चली गई, कितनी,
वाई, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल टू माइनस एक्स प्लस वाई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक? तो ये नई लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग आ जाएगी, विच विल अगेन रिमेन, ये भी नहीं चेंज नहीं होगी। इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करोगे तो L1 प्लस L2 की वैल्यू आएगी L1 माइनस 2x प्लस L2 माइनस x प्लस y। L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, तो यहां से 0 इज इक्वल टू कितना, माइनस 3x प्लस y, या y इज इक्वल टू 3x। इसका मतलब ये हुआ कि जो y स्ट्रिंग नीचे चली गई वो 3 इंटू x नीचे चली गई, 3 इंटू x नीचे जाएगी, ठीक है यहां तक? तो रिलेशन आ गया y का और x का, y का और x का, ठीक है यहां तक? सो अब इस केस में, इस केस में आपको यह बताना है कि a के हाथ से कितनी रस्सी नीचे की तरफ छूट गई और b से कितनी स्लिप हो गई। पहले b की बात कर ले, b आसान है। b के लिए कितनी लेंथ ग्राउंड में चली गई, y, बात ही खत्म हो गई, y इज इक्वल टू 3x, डन। b के लिए तो आ गया आंसर, ठीक। एक क्योंकि बी तो रेस्ट पे ही है ना, उसके हाथ से जितनी नीचे छूट गई बस वही आंसर हो गया उसका तो भाई। लेकिन ए की बात करें, कोई एक आंसर बताएगा, 4x, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि y तो उसने नीचे दे ही दी बी को, इसको, और खुद भी ऊपर चला गया भाई x, वो मैन खुद भी ऊपर x किया था, मतलब अगर वो खड़ा होता तो उसके हाथ से आंसर y आ जाता, उसका आंसर भी y था ना, क्योंकि जो रस्सी नीचे छूट रही है वो बी के हाथ से नीचे चली जा रही है, लेकिन वो खींचते खींचते ऊपर चला गया भाई x, तो y नीचे स्ट्रिंग का जाने का और x उसका खुद का आने का, तो यानी कि y प्लस क्या आएगा, x। अगर वो खड़ा होता तो x डिस्टेंस ऊपर ना जाता तो आंसर y ही आता, फिर तो आंसर दोनों में सेम आ जाता y एंड y, फिर तो बात ही खत्म थी। लेकिन प्रॉब्लम सारी इसलिए है क्योंकि वो खुद ऊपर जा रहा है, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी है इसमें, 3x प्लस x कितना, 4x, 4x। तो यहां से इसकी जो रेशियो आएगी, आपको ये निकालना है इसकी रेशियो क्या है, इसकी रेशियो विल बी इक्वल टू 4:3, 4:3 इसकी रेशियो आएगी। क्या है पॉइंट, क्लियर है सबको? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये वाला, अगर वो खड़े खड़े खींचता तो वाई डिस्टेंस नीचे रस्सी चली जाती, वो खुद भी एक्स डिस्टेंस हो गया तो वो कितनी स्लिप कर गया स्ट्रिंग को, वाई प्लस एक्स, ऐड कर दो। एक और क्वेश्चन पेंडिंग है इसी का, और क्वेश्चन नंबर 7 करना जरा।
देखो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये पुली है और इसको बॉय नीचे खींच रहा है विद ए, ये स्ट्रिंग है, ये मास है, टेंशन टी है, टेंशन टी है तो वेट कितना है एम जी, वेट एम जी, और डायग्राम में चेक कर सकते हो कि वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना हुआ है थीटा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा, ठीक थीटा। तो एम जी के दो कंपोनेंट्स होंगे इसमें, एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ होगा कितना एम जी साइन थीटा, ठीक एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। किसके? हाँ इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बॉब आगे मूव कर रहा है ना, स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि इसको खींचा जा रहा है ना, तो अपने कोई क्वेश्चन इस एक्सिस में बनानी पड़ेगी ताकि टी माइनस ये सारी फोर्सेस इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलेरेशन। तो टेंशन बना देंगे तो एक्सिस तो ये रख रहे हैं ना मूव करवाने का, ठीक है यहाँ तक। तो एक फोर्स क्लियर हो गई, दूसरी फोर्स ड्रॉ करते हैं। अब टेंशन लेके करेंगे करेंगे क्या, क्योंकि उसका एक्सिस मूव करने का ये है, इक्विलिब्रियम में होता फिर तो करता, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स, इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, वो तो मूव कर रहा है इस तरीके से, तो यानी कि टी माइनस ये फोर्सेज मास इनटू एक्सेलरेशन करनी पड़ेगी, तो अपने को सारी फोर्सेज इसी एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो एक फोर्स उसमें से क्या होगी सूडो फोर्स, कितनी एम ए, तो सूडो फोर्स एम ए में अगर ये थीटा तो ये भी कितना है थीटा, तो ये थीटा तो इस केस में अगर ये थीटा तो ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक थीटा। तो दिस एम ए कैन बी रिजॉल्व इन टू टू पार्ट, एम ए कॉस थीटा और एक इस तरफ कितना एम ए साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है? तो एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा क्लियर है? क्लियर है अपना? हाँ जी ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि एम ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा, एम से एम कैंसल, एक्सेलेशन की वैल्यू क्या आएगी टेन थीटा, एक्सेलेशन इज इक्वल टू टेन थीटा, ओ सॉरी जी टेन थीटा, ओके जी, या टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी की बात है, ठीक। हाँ इक्वल इसलिए किया क्योंकि इसकी मोशन इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं है, ये ऐसे इस एक्सिस में मूव नहीं कर रहा ना बॉब, ये तो सीधा ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक। तो इसका एक्सिस इस तरीके से है तो वर्टिकल फोर्सेस जो होंगी इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगी, ठीक। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब असली क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि टी इस तरफ ये मूव कर रहा है तो टी माइनस ये फोर्सेस क्या ही क्वेश्चन बनेगी, टी माइनस एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलेरेशन। तो एक काम करते हैं, हमने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमने टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम इन टू ए, या टी इज इक्वल टू एम इन टू ए, आंसर ए की फॉर्म में है तो ए की फॉर्म में चलने दो, साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अगर किसी ट्राइंगल में a बाय जी है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस m इंटू जी, कॉस थीटा क्या आएगा g डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस मास इंटू कितना एक्सेलेरेशन। इसको प्लीज सिंप्लीफाई करना और चेक करना, ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, चेक करो सी ऑप्शन आ रहा है, आएगा। इसका एलसीएम ले लो ना, यहां से टी इज इक्वल टू एम इन टू ए का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस एम इन टू जी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस कितना एम ए, तो टी इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस कितना एम ए, ठीक। तो यहां से टी इज इक्वल टू एम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एम ए, समझ में आ रहा है ना,
तो रूट अंडर रूट की टर्म में लिख लिया इसे, ठीक है। नेक्स्ट शीट अभी आपको मिली है, नेक्स्ट शीट उसका पहला क्वेश्चन यही है ना, इन द अरेंजमेंट शीट नंबर कौन सी है, 7 नहीं मिली, देखी नहीं गया अभी, और किसको नहीं मिली, अच्छा रखना जरा यहाँ पे, अच्छा शीट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखो ना, ओके देखो जरा, फर्स्ट हो जाए मैं
अच्छा इसमें डाउन लिखो, ओके डायरेक्शन स्पेस इसमें लिखो फिर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली पी इज 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, इसमें प्लीज ब्रैकेट में लिखो डाउनवर्ड्स, अब करो शुरू। हाँ नहीं तो दो आंसर हो सकते थे, सही है तो डाउनवर्ड्स के साथ करना है। ठीक देखो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अरेंजमेंट शोन द फिगर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब ये है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी गिवन है, अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है बिकॉज सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ सकती है इसमें। आंसर इसका डी है, ठीक आंसर बताया है डी। सो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर चेंज हो सकती है, पॉइंट नंबर वन। अब इसमें कह रहे जो रोलर है दैट इज कमिंग डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड, पहला इसमें ये गिवन है, और एक वेलोसिटी मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि जो 4 मीटर पर सेकेंड है, और किसकी, सी की, कहाँ पर, ऊपर। तो ये जो ब्लॉक सी है ये मूव कर रहा है अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड जो ए ब्लॉक है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू पी। 7 आ रहा है इसमें, चलो ठीक है यहाँ तक। ये केस गिवन है और मुझे इसमें निकालना क्या है, मेरे को इसमें निकालना है कि मोशन ऑफ बी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। इस टाइप के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। हम एक्सेलेरेशन तो ऐसे कुछ में निकालते ही नहीं ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन निकाल के फायदा नहीं होगा, अगले इंस्टेंट भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर हमें एक वेलोसिटी गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेकंड वेलोसिटी निकालनी है तो कंस्ट्रेंट ही हमें हेल्प करेगा। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के अंदर एक काम करते हैं, लेंथ बनाओ। तो लेट अस सपोज ये स्ट्रिंग की लेंथ इज L1, इस स्ट्रिंग की लेंथ इज L2, इस स्ट्रिंग की लेंथ इज अगेन L2, इस स्ट्रिंग की लेंथ इज L3। वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, ये वही है कंस्ट्रेंट में लेंथ लेते थे ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम ना, तो टोटल लेंथ लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, आंसर आ गया। फिर देखते हैं। हाँ हमने ये ऐसे करवा किया था, अच्छा वो वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट सेम हो जाता है इसमें चलेगा नहीं ना, स्ट्रिंग की वेलोसिटी गिवन है, ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है, ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी नहीं आएगी।
को? इसमें सबसे पहली चीजें काम करेंगे इसमें, क्योंकि ना क्या प्रॉब्लम है कि कर सकते हो, सही किया उसने, वो ये कह रहा है कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 12 है तो अब ये 4 है, तो यहाँ की वेलोसिटी डबल होगी यहाँ से, तो उसने हाफ हाफ करके एडजस्ट किया और फिर यहाँ से कुछ रिलेशन निकाला। पर मैं इसको ऐसे ही निकालूंगा क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि इसमें दो दो वेलोसिटीज चल रही हैं, तो एक मेथड जो गलत नहीं हो सकता वो ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, कुछ भी कर लो लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो ऐसे केस में फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो एल वन प्लस टू एल टू प्लस एल थ्री, इसकी लेंथ हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वन प्लस टू इंटू वी टू प्लस वी थ्री, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव, उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर वी वन की वैल्यू देखी जाए तो वी वन का मतलब ये है वी वन, और वी वन कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, और अगर वी वन अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो इस केस में वी वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें? प्लस 12 इंटू टू इंटू, सेकेंड लेंथ वी टू है, वी टू मीन्स एल टू। अब एल टू फोर के साथ कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टू इंटू क्या आएगा? माइनस फोर। अब टू का फैक्टर अपने आप आ गया इसमें, हम शॉर्टकट लगाते हैं ना टू वाला, इसमें अपने आप ही आ गया, क्या आ गया? टू आ गया फैक्टर, यानी कि अगर ये फोर है तो ऑब्वियसली ये जो हो जाएगा वो एट हो जाएगा, माइनस एट प्लस वी थ्री। अब वी थ्री इस पुली का नीचे आने का डिस्टेंस है या ऊपर जाने का डिस्टेंस है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और वी थ्री सॉल्व करके कितना आ रहा है? माइनस फोर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड होगी। तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ माइनस फोर या फोर, ठीक है यहां तक? तो ये वेलोसिटी किसकी आई? ये वेलोसिटी आई पुली की वेलोसिटी आई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है? पी पुली है, वेलोसिटी ऑफ पुली पी की वेलोसिटी आई। पर हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमने इस क्वेश्चन में निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरे को एक चीज पता है कि ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, लेकिन विद नेगेटिव साइन। देखो पी पुली के हिसाब से देखना है, पी पुली के विद रिस्पेक्ट टू अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, और पक्की बात है सेम वेलोसिटी से ही जाएगा, ठीक है यहां तक? क्लियर? एक पुली के लेफ्ट और राइट पे वेलोसिटी विल रिमेन सेम, डायरेक्शन में वेरी किया। या फिर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ पी, ओपन कर दिया रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितने है? थ्री, डाउनवर्ड थ्री, माइनस वेलोसिटी ऑफ पी कितने है? माइनस फोर, मस्ट बी इक्वल टू। यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी कितने है? निकालना है। अब बी विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिकली ग्राउंड आएगा माइनस, यहां पर क्या आएगा? फोर। इसको जरा सॉल्व करना कितना आंसर आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो ए कहां गिवन है? डाउनवर्ड गिवन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मानी है पूरे क्वेश्चन में, इसमें आंसर नहीं आ रहा। वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है वेलोसिटी ऑफ ओ, अच्छा ठीक है, ओ सॉरी हाँ ठीक है, इसको डिवाइड, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली पी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए नहीं गिवन। जो मैंने करेक्शन करवाई थी चेक करो, इसके अंदर क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली गिवन है, राइट सही है, पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली गिवन है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना गिवन है? प्लस थ्री। तो प्लस थ्री का मतलब आंसर नहीं आया इसमें, कैसे आया? ये प्लस थ्री हो गया, ये प्लस हो गया, तो उधर जाके तो आप ठीक है, अब राइट ओके डन। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस फोर, तो ये कितना आ गया? माइनस थ्री, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस फोर, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस सेवन, हाँ कर सकते हैं, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ ए नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली है, राइट। उस मेथड से तो ऐसे किया ना,
कि ये 12 है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है ना, इसमें फिर अपना रूल लगा जो अभी कॉपी दिखा रहा है। अगर ये 12 है, ये 4 है, लेट अस सपोज ये बी डैश है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, एवरेज वेलोसिटी वाला मेथड कराया था, फिर यहाँ से वी डैश आएगा, फिर ये वी डैश है, फिर यहाँ की वेलोसिटी मुझे पता है, फिर यहाँ की वेलोसिटी का एवरेज आएगा, फिर वो रूल लगा सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरीके से आंसर पहले वाले मेथड भी सही है, ठीक लगाया वैसे वो मेथड, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस केस में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, वो भी ठीक है, जिसको जो पसंद है वैसे कर ले। मेरे को बस ये पता होता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वहाँ से अपने रिलेशन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, असाइनमेंट। ओके ठीक है, इसका आंसर चेक करो क्या आ रहा है।
हाँ जी आ गया आंसर, आ गया कंपोनेंट्स बन गए ज़्यादा, ठीक है यार ज़्यादा बन गए। लो फिर ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, ये रहा मास एम, राइट। ये मास एम आगे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये भी ठीक है, ऐसे ही है। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल में कितनी बार घूम रही है यहाँ पे ये बताओ, चार बार, एक दो तीन और चार, पुलिस की इधर देखो हॉरिजॉन्टल में चार बार। इसका मतलब जब ये वॉल से ये वेज आगे जाएगा तो फोर टाइम्स लेंथ रिलीज होएगी, फोर टाइम्स का मतलब है कि ये मास नीचे जाएगा विद एक्सेलेरेशन 4a। देखो ना ये स्ट्रिंग जब x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस पास आ गया तो इधर से x रिलीज होगी, स्ट्रिंग इधर से x होगी, इधर से भी x होगी, इधर से भी x होगी, तो टोटल तो 4x हो गई ना। तो 4x स्ट्रिंग रिलीज करने का मतलब ये 4x डिस्टेंस नीचे गया, और 4x का मतलब है एक्सेलेरेशन कितनी काउंट होगी, 4a काउंट होगी। जब लेंथ रसीगी 4x होगी तो एक्सेलेरेशन भी तो 4a होगी ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था वैसे स्ट्रिंग वाला, चलो कोई बात नहीं। मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि अगर आप इसमें ये लो, एक मिनट पर ना ही लेने दो, ठीक। सेकंड ये लो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये x डिस्टेंस इधर आता है तो स्ट्रिंग x डिस्टेंस इधर होगी, हाँ अटैच्ड है, तो x डिस्टेंस इधर आएगा तो x स्मॉल होगी, ये भी हो जाएगी, ये भी पैरेलल में चार होंगी, तो स्ट्रिंग टोटल तो 4x नीचे आ गई ना यहां से रिलीज हो गई। अगर ये x इधर गया तो टोटल तो 4x रिलीज हो गई ना स्ट्रिंग। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज टुवर्ड्स लेफ्ट, वो आपको बताना है कितनी एक्सेलेरेशन होगी इस तरफ वेज की, इसको मैं भेजूंगा। तो अगर मैं इसको पास भेजूंगा और मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेस करवा दिया तो ये x डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये भी और ये भी, तो रस्सी जो लूज हो रही है वो तो 4x हो गई ना। इधर से x रिलीज हो गई छोटी हो गई, तो इधर से भी तो x छोटी हो गई ना, तो इधर से भी तो x छोटी हो गई ना, तो इधर से भी x, तो x प्लस x प्लस x प्लस उनके जाएगी कहाँ, मास को ही मिलेगी, तो मास 4x नीचे आएगा। ऐसा क्वेश्चन ने किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, यहाँ एक पुली लगी हुई थी, यहाँ पुली थी, यहाँ पर एक मास था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता था वो, ऐसे वॉल थी इस तरफ, लास्ट से लास्ट से लास्ट लेक्चर में था कुछ ऐसा, मैं भूल गया एग्जैक्ट डायग्राम, कुछ ऐसा हुआ करता था जब x और x 2x था तो एक्सेलेरेशन की 2a हुआ करती थी, सेम ही तो है ये। तो मैंने बताया था कि अगर ये x डिस्टेंस जितनी हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं अगर वो x पास आती हैं तो टोटल 4x, तो एक्सेलेरेशन 4a हो जाती है इसमें नीचे की तरफ, लूज हो रही है ना स्ट्रिंग तो, हाँ तो ये वेज लेफ्ट जा रहा है तो लूज हो रही है स्ट्रिंग, तो 4m 4a के साथ नीचे आ गया, हाँ तो ठीक है। मैं कौन सा मना, मैं कह रहा हूँ ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखो ना यार, अगर ये 10 मीटर थी, मैंने 2x कम लिया या वो वाला कि वो डबल हो जाती है एक्सेलेरेशन वाला कॉन्सेप्ट, वो तो तब था ना कि अगर मान लो मैं एक रस्सी को खींच रहा हूं, अच्छा ठीक है ओके डन, मान गया तेरी बात। इधर से x तो इधर से भी x क्योंकि मूव कर रहा है 2x, इधर से x तो इधर से भी x, 2x 2x प्लस 2x 4x, इधर से x तो इधर से x 2x, ठीक बोल रहे हो, फिर इधर भी तो अरेंजमेंट लगाओ ना 2x का, तो टोटल तो 4x ही आएगा फिर भी। पता नहीं मैं नहीं समझा पा रहा कि पता नहीं आंसर तो बात की बात है। अगर ये 2 सेंटीमीटर या लूज हो जाती है तो सिर्फ यही क्यों होगी, फिर तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही 4-4-4-4 हो जाएगा ना, यानी कि चार गुना लेंथ रिलीज हो जाएगी उसकी स्ट्रिंग की, तो ये 4 times a इधर आएगा। अब 4a एक इस तरफ है, ऊपर से वेज की वजह से भी तो एक एक्सेलेरेशन है इसके पास,
मास जो है वेज के ऊपर है चलता चलता, तो वेज के नीचे तो आ ही रहा है 4a के साथ, और साथ में इधर भी जा रहा है वेज की वजह से, तो दो एक्सलेशन होंगी वेक्टर है। ये एक्सलेशन राइट साइड होनी चाहिए वेज। अच्छा चलो ठीक है ओके। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि एक्सलेशन लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, अब लगाओ चलो इंक्लाइन राइट की तरफ होनी चाहिए। इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है इसमें? अल्फा है। तो अब इसका आंसर निकालना जरा क्या होगा, दो वेक्टर तो बता ही दिए मैंने आपको, जो भी आपने करना है आप करो, जो भी करना है। इसका आंसर जो लिखा हुआ है तो बी लिखा हुआ है। ओके पहले इस पॉइंट को जरा क्लियर कर लें, एक्सलेशन का होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये, अगर आप एम मास से पूछोगे, देखो उसने ना अपना क्वेश्चन साफ कहा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है ठीक, उसे साफ कहा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो। आप मुझे जरा ये बता दो, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने आप को कहाँ रखोगे? ग्राउंड पे रखोगे, रखोगे आपको ये मास छोटा एम कहां नजर आ रहा है जाता हुआ, लेफ्ट की राइट? नीचे तो आ ही रहा है, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू मास वेज होता फिर आप सूडो फोर्स लेते पीछे की तरफ, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से आपको ये ब्लॉक कहां नजर आएगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और कितनी एक्सलेशन के साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है, उसे ग्राउंड मेंशन किया ठीक है यहां तक। तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू तो ये लेफ्ट की तरफ ही जाएगा आपको, अब ये तो नहीं कह सकती कि वो राइट की तरफ जा रहा है, ग्राउंड के हिसाब से तो आप ये बोलोगे ना, दिखाओ। उसने कहा एक्सेलेरेशन ऑफ दी ब्लॉक नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशन करो। हाँ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशन करो इसमें, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से सही बन गया क्वेश्चन, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ठीक है, तो अब इस केस में ये एंगल कितना है? अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी कितना है? अल्फा। तो ये कितना है? 180 माइनस अल्फा। तो नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? 180 माइनस अल्फा। मींस यहां पर आएगा 16a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 8 इंटू a का स्क्वायर, और कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस लगा लेना आपके पास जो भी ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें मेंशन करना पड़ेगा पेन देना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ये लो बोलो। वो मूवेबल पुली है नहीं ना, फिक्स पुली है। मूवेबल होती है कि जो घूमती घूमती मूव भी करती है, वो तो फिक्स्ड है रॉड्स के साथ, बस जगह अपनी जगह घूम जरूर रही है, लेकिन ये वो वाली मूवेबल पुली नहीं है कि घूमते घूमते नीचे और ऊपर भी जा रही है। पुलीज तो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड मतलब ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, ये वाली हाँ, तो ये इसके ऊपर फिक्स्ड है, रस्सी लूज हो रही है ना, हाँ कर रही है बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है, अच्छा वैसे कर रहे हैं, हाँ ठीक है कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि जैसे मैं ए लगाऊंगा तो वो टू ए हो जाएगा, वो कंसेप्ट लगा रहे हो, लेकिन उसमें आप यहाँ फंस जाओगे, फिर आप यहाँ की एक्सलेशन निकालोगे, जैसे ए है तो यहाँ का निकालोगे टू ए, ऐसे ही यहाँ से निकालोगे ए, ए है तो ए है, फिर कैसे करोगे ये ठीक है बोलो, फिर ये कितना है टू ए है, या टू ए ये कितना है टू ए, ये कितना है टू ए, तो टोटल कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट करोगे वेक्टर्स? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स लगाना है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं तो पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जब जब उसके जब नॉर्मली वो जो कॉन्सेप्ट लगता है ना ए वाला और ए बाई टू वाला, वो तब होता है जब हवा में पुली मूव कर रही होती है, मूविंग पुली के क्वेश्चन अलग होते हैं, वो ये नहीं होता कि एक वेज के ऊपर पुली है और वहाँ पर ये क्वेश्चन लगेगा, डिफरेंस है। अब इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर लास्ट पुली पी थी, वो हवा में मूव कर रही थी, चेक कर लो ठीक, और वैसे ही मैंने कंस्ट्रेंट से ही किया था उसे, तो नॉर्मली बेसिकली जो मैंने देखा है जो देखो हर क्वेश्चन करने की टेक्निक, मैं ये मानता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट भी इसमें लग सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, आप ए से भी कर सकते हो, लेकिन किससे आसान है हमने तो वो देखना है। अब जैसे सपोज करो आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो ये क्वेश्चन करवाया था कि ये एक मास है, अगर आपको याद हो फ्रिक्शन में मेरे ख्याल से शीट ऐसी पूछा था मैंने क्वेश्चन आपसे, ये वॉल है और ये था कि अगर सपोज ये एक ब्लॉक है, यहाँ एक पुली थी, जब आपने पूछा था सर टेंशन टी कैसे हो गई यहाँ पे, कुछ ऐसा था ना ये क्वेश्चन, कौन सा नहीं ये नहीं था, यहाँ पर भी पुली लगी हुई थी, एक यहाँ पर भी एक पुली थी, ऐसे ऐसे लगी हुई थी, ये था ये क्वेश्चन था, ये देखो ऐसा क्वेश्चन था, तो मैंने हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर ये राइट की तरफ आ रहा है बाई एक्स तो ये स्ट्रिंग एक्स और एक्स टू एक्स रिलीज होगी, तो इसलिए जब ये 2x नीचे आएगा तो इसकी एक्सलेशन 2a होगी, ब्लॉक की a होगी, ये उसी के सीक्वेंस में है देखो। तो आज के बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें एक लेंथ अगर x छोटी हो रही है तो वहां से सीधा ही आंसर 4 टाइम या 5 टाइम या 6, कई बार स्ट्रिंग 6 बार घूमेगी तो सीधा ही आंसर 6 से हो जाएगा, इजी है, इससे आसान नहीं हो सकता कोई भी, बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग टेक्निक है, कहीं पे कंस्ट्रेंट काम कर लेगा, कहीं पर सीधा शॉर्टकट ही काम कर जाएगा 12 और जैसे वो एवरेज वाला करते हैं, कहीं पर ये करेगा, हमें टूल तो सारे आने चाहिए, हम एक टूल के साथ अपने क्वेश्चन को मुश्किल नहीं कर सकते ठीक। हाँ ये फिक्स पुली के साथ ही है, मतलब आपको ना अपने आप पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने की क्या टेक्निक है, धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा इसमें, अभी आपको शुरू शुरू में लगेगा कि ये क्या होता जा रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करना है, लेकिन इन दी एंड आपको ये अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे और क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस को कर करके अपना प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4th, ये आप कर लोगे, कौन सा थर्ड है ये, हाँ थर्ड, इफ इन अ फिगर द ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज्ड, करना जरा, थर्ड
हाँ जी आगे आंसर नेक्स्ट तो हो जाएगा, नेक्स्ट तो इजी है क्या? कौन सा ऑप्शन नंबर इसका पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। एम मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। देखो नेक्स्ट इसके अंदर देखो एक पुली है, एक पुली के इस तरफ एक मैन इसे खींच रहे और ए इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कितने कैपिटल एम है, टेंशन की वैल्यू इसमें कितनी है टी है, इसका वेट कितना है कैपिटल एम जी है और इसका खुद का वेट कितना है स्मॉल एम जी है। क्वेश्चन ये है कि आपने इस कैपिटल एम को एक्सलरेट नहीं करवाना, अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाना है बस, मतलब आपको मिनिमम फोर्स लगानी है कि ये ग्राउंड को से थोड़ा सा हिल जाए, लेकिन इसको एक्सलरेट करवाना है, तेज तेज चढ़ेगा ऊपर विद सम एक्सलरेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ठीक। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, एक्सलरेशन नहीं क्योंकि इसको कैपिटल एम को एक्सलरेट नहीं करवाना, अपनी जगह से बस हिलाना है। तो इस कैपिटल टी को यहां पुट करेंगे तो कैपिटल एम जी माइनस एम जी इज एम इनटू ए, तो यहां से मेरे को क्या निकालना है ए निकालना है, तो यहां से जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या आएगी जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम माइनस वन, तो यहां से एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। मैं अभी एक आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सारा कॉन्सेप्ट अभी ठीक हो जाएगा। आप एक काम करो इस शीट का क्वेश्चन नंबर 9 देखना, इफ अ ब्लॉक बी, यही है इफ अ ब्लॉक बी, यही है ना, इसका आंसर बताओ। तो आज जो हमने वो कॉन्सेप्ट किया जिसमें आप थोड़ा सोच रहे हो क्या लगाना है, अभी लगाओ इसमें, अभी क्लियर हो जाएगा क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता आंसर कौन सा। हाँ ये पूरा एक यू शेप टाइप है, बी ब्लॉक एक ब्लॉक है, कितना नहीं इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ए नहीं आना चाहिए क्या, देखो इस इतना टाइम है ही नहीं इसमें कुछ है। ये देखो जो ए ब्लॉक है वो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट की लेफ्ट, राइट भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, नीचे आएगा ना, नीचे रस्सी जो है वो जो है, अगर लेट अस सपोज अगर राइट की तरफ बी ब्लॉक जा रहा है तो ए ब्लॉक कहाँ आएगा, ऊपर कि नीचे, एक बार फिर से सोचते हैं। इसमें अगर बी ब्लॉक आगे जा रहा है तो स्ट्रिंग टाइट होंगी, हाँ राइट आप ठीक बोले, ऊपर आएगा राइट 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 ऊपर, ए नहीं आंसर इसका, तो ऊपर आएगा राइट, ठीक हो गया। सो अगर ए ब्लॉक राइट जा रहा है तो राइट की एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी बी के साथ, कितनी बी आई कैप, ये डन। और क्योंकि बी ब्लॉक दूर जाएगा तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और ए ब्लॉक को ऊपर उठाएगी, ए ब्लॉक जब ऊपर उठेगा क्योंकि कितनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स हैं, एक दो तीन और चार, तो फोर टाइम्स एक्स लेंथ ऊपर उठ जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी फोर बी और यहां पर माइनस, हाँ ठीक है डन, तो आंसर इसका ना आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के केस में क्या लगेगा, ठीक। तो अलग अलग क्वेश्चन करने का अलग अलग स्टाइल है इसमें, क्यों प्लस क्यों आएगा, ओ अच्छा ऊपर जा रहा है, सॉरी ओके ओके ऊपर जा रहा है राइट, ऊपर जा रहा है तो प्लस ही आएगा राइट, सही है
हाँ ठीक है राइट, ऊपर जा रहा है ना, ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है, हाँ तो ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है, हाँ तो ऊपर का मतलब प्लस जे कैप है, ऊपर का मतलब प्लस जे कैप है, नीचे का मतलब माइनस जे कैप है, वो उल्टा लगा चलते चलते, तो राइट की तरफ जाने की वजह से आई कैप है और ए ब्लॉक ऊपर जाने का मतलब जे कैप है, राइट, ए ऑप्शन सही है फिर जिनका आया। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 टाइम्स कैसे आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन करना जरा, कहाँ जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, हाँ तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर आप देख सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक, मतलब एक तो वैसे ही इंक्लाइन है 30 डिग्री पे, ऊपर से एक लाइन है जिसके अंदर वो ब्लॉक 30 डिग्री पे नीचे एंटर करता जा रहा है, तो 2 30 डिग्री यूज होंगे इसमें, ध्यान से इमेजिन करो। बेस्ट तरीका बताऊं, एक कॉपी ले लो, कॉपी को ऐसे रख लेना, ऐसे सोचना, एक कॉपी ऐसे है और अगर ये ब्लॉक ऐसे आ रहा होता ये सोचो, पर ये ऐसे नहीं आ रहा, ये ऐसे जा रहा है, तो क्या यूज कर सकते हैं इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन पूछा क्या है, टाइम टेकन, तो एस पता है तो एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे, ए तो निकालो, बस आप मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक नीचे आने की एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, बस ये क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट नीचे आने की एक्सेलरेशन। जी साइन थीटा है नहीं ना, सोच और सोच, बस मुझे एक्सेलेरेशन बता दो यार, आंसर आ जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक्सेलेरेशन बोल दो क्या होगी, हाँ बस एक्सेलेरेशन सोचो, कॉपी करके सोचना, ऐसे मत सोचना, मतलब ये सोच लेना, इधर देखो अगर ये इंक्लाइन है ना और ये ब्लॉक है और अगर ये ऐसे आ रहा होता तो जी साइन 30 से ऐसे आ रहा होता, पर ऐसे नहीं आ रहा, इसका भी कॉम्पोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा, जी साइन 30 का कॉम्पोनेंट सोचो, ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये ऐसे आ रहा होता तो इसकी एक्सलेशन जी साइन 30 थी, पर ये तो ऐसे जा रहा है, जी साइन 30 इंटू, हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, समझ आ गया ना, देखो ये एक, इसके अंदर से ये बॉडी नीचे आ रही है, देखो इधर सबसे पहले ये जो कंपोनेंट है वो जी साइन 30 है, आप सोचोगे जी क्यों नहीं है, एक्चुअली डायग्राम ऐसे है, ये देखो ये वाला, ये रहा इंक्लाइन ऐसे 30 डिग्री पे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसे नीचे आ रहा होता, बस आप बोर्ड को छोड़ दो इसको देख लो, तो ये पेन, ये जी है, ये जी है नीचे, लेकिन हमने कंपोनेंट कहाँ लेना है, यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा जी साइन 30, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये इंक्लाइन प्लेन है नीचे कितनी, क्योंकि हमारे इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं कि नीचे कितनी एक्सलेशन से आएगा जी साइन 30, ये ऐसे डायग्राम है तो जी साइन 30, ठीक है यहाँ तक, तो अब माइनस क्यों, वो नीचे आ रहा है तो इतने इंक्लाइन प्लेन किया, जब नहीं बोला एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा करता आया था,
एक देखो, तो ये जीन साइन 30 नीचे की तरफ, और क्योंकि यहां पर भी एक एंगल कितना आएगा, 30 की 60 आएगा, तो मेरे को यहां की एक्सलेशन चाहिए जो कि क्या होगी, यहां पर आएगी g इंटू साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 30। देखो ना, ये जो कंपोनेंट है g साइन 30 इंटू क्या है, cos ऑफ 30, और ये कितना होगा, साइन 30। तो नीचे आने की एक्सलेशन क्या होगी, ये एक्सलेशन नीचे आने की होगी। तो उसके बाद क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई a फॉर एक्सलेशन, तो विच विल बी इक्वल टू 2s, एक्सलेशन की जगह पुट करेंगे g इंटू साइन स्क्वायर 30, यहां से टाइम आ जाएगा, टाइम तो आ ही जाएगा फिर, कितने सेकेंड है, बट मेन चीज ये है किसमें एक्सलेशन कैसे निकालनी, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस लाइन के क्रॉस है जिसमें ये शेडेड पोर्शन नीचे आ रहा है, इसके क्रॉस है, मतलब अगर मैं इसका ये डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये डायग्राम आपका ऐसे क्यों बने ना, ये देखो ऐसे क्यों बने ना, तो एक एक्सलेशन नीचे की तरफ मैंने ली कितनी, जी साइन 30 ये वाली इसके अलोंग, पर मेरे को तो इसके अलोंग बॉडी को भेजना है ना ऐसे ऐसे, तो ये अगर 30 है तो ये आएगा जी इंटू साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 30 ऐसे, ये बनाया मैंने, ठीक है यहां तक, और वहां से फिर ऐसे 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर से टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, क्या होगा, क्लास है कितने बजे, मेरी तो सबत ही नहीं है। नेक्स्ट करना सिक्स्थ, टू ऑब्जेक्ट से एंड भी, ये भी छोटा है, ये भी हो जाएगा, पढ़ लो सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, तो ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, और एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है और रेडियस इसका कैपिटल आर है, सो द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ पोजीशन एज शोन। मैंने इनको रिलीज कर दिया इस पोजीशन से, रिलीज करते ही ये नीचे आएगा और ये लेफ्ट जाएगा, ठीक, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल इधर मूव करने की कोशिश करेगा और ये ऐसे मूव तो सर्कल में करेंगे, पर रिलीज करते ही, इमीडिएटली रिलीज करते ही इनकी वेलोसिटीज टेंजेंशियल होंगी, इनकी एक्सलेशंस टेंजेंशियल होगी। उसके बाद क्या होगा, वो बाद की बात है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ने कहा द ऑब्जेक्ट आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट अ पोजीशन, द टेंशन इन द कॉर्ड जस्ट आफ्टर रिलीज, तो अंडरलाइन कर लो इसे, जस्ट आफ्टर का मतलब रिलीज करते ही, तो रिलीज करते ही का मतलब है कि उसी टाइम जब रिलीज किया तो क्या होगा, ठीक, तो ये डायग्राम बनेगा, टेंशन टी, टीएनटी टाइट हो जाएगी स्ट्रिंग तभी रिलीज होगी, टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे टी कॉस टी साइन, ठीक हो गया यहां तक। अब ये बताओ कि इसमें ये ए एक्सेलरेशन के साथ इधर जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, तो इसको लेफ्ट कौन लेके जा रहा है, टी साइन 45 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 1/√2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू √2 इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये नीचे आ रहा है तो नीचे आने के लिए एम जी माइनस टी इंटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम जी माइनस टी, टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, √2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या निकलेगा, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको इसमें टी निकालना है, तो आप यहां से ए की वैल्यू को निकालो, यहां से ए निकाल लो, ए को उठा के यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, वेरीफाई कर लो आंसर क्या आ रहा है इसका, डी आंसर आ रहा है, ठीक है ना।
ठीक है, और लास्ट सेवेंथ क्वेश्चन देख लो, एक क्या हुआ हमने, क्या आंसर है, ए ऑप्शन कहाँ है इसका, ए ऑप्शन है इसका, नहीं मेरे को तो लगता ही नहीं ऑप्शन है इसका, करना जरा सवाल, ए आंसर है ही नहीं इसका, तो फिर करो फिर। चाहिए इसका, देखो इसमें करके देखना पड़ेगा, वैसे सी लग रहा है मेरे को भी, ये एक ब्लॉक है, वेलोसिटी वी वन है, ये एंगल कितने हैं थीटा वन है, तो ये कितने वी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा वन है, ऐसे ही है ना, तो एक की स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट ही है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर ये वी टू है, ये स्ट्रिंग ऐसे आ रही है और सच दैट ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा टू है, तो यहां से स्ट्रिंग के अलॉन्ग इसका कॉम्पोनेंट वी टू इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा थीटा टू, तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटीज की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम, तो वी वन बाई वी टू की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ कितना थीटा टू, कॉस ऑफ कितना थीटा वन, तो यहां से अपने आंसर को निकाल सकते हो ठीक।